सो हेलो गाइज, आप लोग का स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल में। मैं राजू जी। सो गाइज, आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि अगर आपका साइकिल के चेन लूज हो जाता है तो इसे किस तरीके से टाइट कर सकते हैं विदाउट मैकेनिक के। जी हाँ गाइज, अगर आपके पास पावर ब्रेक की साइकिल है तब। जी हाँ गाइज, अगर आपके पास कैलिपर ब्रेक की साइकिल है तो वो तो आप आसानी से इजिली चेन टाइट कर सकते हैं, लेकिन पावर ब्रेक की अगर साइकिल है आपके पास तो आप उसे किस तरीके से टाइट करना। अक्सर क्या होता है कि आप चेन तो टाइट कर लेते हैं, लेकिन क्या होता है कि ब्रेक में जो होता है कि चक्का फंसता है पूरा एकदम, क्योंकि चक्का का अलाइनमेंट इधर उधर बिगड़ जाता है। जी हाँ, ब्रेक अपना जगह में प्रॉपरली वर्क करता है, लेकिन क्या होता है कि चक्का का अलाइनमेंट चेन टाइट करने के समय क्या होता है कि वो इधर उधर हो जाता है। तो उसी चीज को मैं लेकर आया हूं कि किस तरीका से आपको पावर ब्रेक की साइकिल, आपके पास कैसा भी साइकिल हो जिसमें पावर ब्रेक लगी हुई है और अगर उसका चेन लूज हो जाता है तो किस तरीका से आपको टाइट करना है, मैं स्टेप बाय स्टेप पूरी अच्छी तरीका से इस वीडियो में बताया हूं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें और स्किप करके बिल्कुल ना देखें, नहीं तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। और गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर दे, लाइक करना शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अदर दोस्तों को भी काम में आने वाला यह वीडियो है। सो गाइस, कोई भी ऐसा आप लोग को प्रॉब्लम हो तो आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं। चलिए, आप लोग का ज्यादा समय ना वेस्ट करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि देख पा रहे हैं हमारा साइकिल का चेन कितना ज्यादा लूज है, साइकिलिंग करते समय बार बार उतर जाता है चेन, जी हाँ, पैडलिंग करते समय में। सो गाइस, सबसे पहले हम साइकिल का चक्का घुमा के दिखा देते हैं आप लोग को, फ्री है एकदम। सो गाइस देखिए, चेन टाइट करने से पहले हम आप लोग को चक्का घुमा के दिखा दे रहे हैं कि चक्का हमारा फ्री है और हमारा ब्रेक भी एकदम सही से वर्क कर रहा है। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं एकदम प्रॉपरली वर्क कर रहा है और कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब चेन टाइट किस तरीके से करना है बता रहे हैं आप लोग को। सो गाइस, आपको सबसे पहले क्या करना है कि अपना साइकिल को जो उलट लेना है, ठीक है, जिस तरीके से हम उलट लिए हैं। और अगर आपका नया साइकिल है तो यहाँ पर कुछ रख दे कल प्लास्टिक वगैरह, जो कि स्केच वगैरह हैंडल में नहीं लगेगा, और सीट में भी, सीट में भी कुछ रख दे। तो ये हमारा पुराना साइकिल है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम फ्रेश जगह में रखें, इसमें स्केच नहीं आएगा। और गाइस, एक चीज़ का आपको ध्यान देना है चेन टाइट करने से पहले, ये जो आप फ्रेम देख रहे हैं, फ्रेम में जो यहाँ जगह बना हुआ है, ठीक है, चेन स्टेक के पास में जो स्पेस बना हुआ है जिसमें चक्का फंसी हुई है, तो यहाँ जो देखिए सामने में स्पेस इतना ज़्यादा बना हुआ, पीछे में कम है, एकदम जरा सा है, लेकिन इतना में मेरा चेन जो है लूज जो है वो टाइट हो जाएगा। ठीक है, इतना जगह मेरा बचा हुआ है, ये एक ही बार होगा। तो नेक्स्ट बार अगर जब हम चेन टाइट करेंगे तो हमें चेन का कड़ी जो होता है ये काटना पड़ेगा, उसके बाद चेन टाइट होगा, क्योंकि यहाँ का स्पेस जो होगा वो लास्ट हो जाएगा। अगर आपका साइकिल में ऐसा है, अगर सामने में ज़्यादा स्पेस है, पीछे में कोई स्पेस नहीं, तो आपका चेन टाइट नहीं होगा। अगर आपका ये स्पेस जो है यहाँ सामने में है, कल सामने में भी है, पीछे में भी है, तो आपको चेन टाइट हो जाएगा। चेन किस तरीके से टाइट करना बहुत ही ईजी है और आसान है, ध्यानपूर्वक वीडियो को देखें। सो गाइस, चेन टाइट करने से पहले कौन कौन टूल्स की जरूरत पड़ेगा मैं आप लोग बता देता हूँ। एक आपको देखिए 14-15 नंबर का स्पैनल का जरूरत पड़ेगा, रिंग स्पैनल का, कोई भी हार्डवेयर शॉप में आपको मिल जाएगा। एक आपको स्क्रू ड्राइवर की जरूरत पड़ेगा जो कि मेल फीमेल है। एक आपको 10 नंबर का स्पैनल का जरूरत पड़ेगा, 10-11 नंबर का, जैसे कि आप देख। और गाइस, एक आपको एलेंकी रिंच की जरूरत पड़ेगा। ये जो नट देख रहे हैं फ्रीव्हील साइड वाली, इसे आपको लूज करना, ठीक है, इस तरीके से देखिए हमने जो है लूज कर लिया, ठीक है। लूज करने के बाद क्या करना है, ये जो आप व्हील देख रहे हैं, ठीक है, इसे आपको जो है सामने की ओर प्रेस करना है। इधर से हम प्रेस करें तो हमारा चेन देखिए टाइट हो रहा है, ठीक है, फिर छोड़ रहे तो फिर लूज हो जा रहा है, फिर टाइट हो रहा है। देखिए इसी तरीके से आपको क्या करना है, इधर की ओर प्रेस करके चक्का को, ये जो नट देख रहे हैं चक्के वाली, जिसको हम खोले फिर से डाले, उसे हमको टाइट कर देना, ठीक है। इसे आपको फुल टाइट नहीं देना, खाली मीडियम में टाइट करना। तो ये देखिए हम टाइट कर देते, चेन हमारा देखिए हल्का टाइट हो गया, ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, देखिए हमारा टाइट हो गया। अब क्या करना, अब उस साइड वाली नट खोलना है, जो है एक साइड हो गया है, ठीक है, चेन टाइट करने समय में। अब इस साइड वाला हम करते हैं हावेक्सल नट खोल के टाइट करेंगे तो चक्का हमारा मिडिल में आ जाएगा। सो गाइज, ये देखिए हम चक्का नट को खोल लिए हैं, और आपको जो है नट को लूज़ करने के बाद क्या करना है कि हाथ को इस तरीके से पकड़ना है, और पकड़ने के बाद चक्का को जो है इधर की ओर प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद आपको क्या करना है, नट को टाइट कर देना है। देखिए नट को हमने टाइट कर दिए हैं, ठीक है गाइज, देखिए हमने नट को टाइट कर दिए हैं, टाइट कर दिए, और ये चक्का हमारा देखिए एकदम मिडिल पे है, लेकिन चक्का थोड़ा हमारा जाम बता रहा है, ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और गाइज, ये हमारा देखिए चेन टाइट हो गया, एकदम प्रॉपरली चेन टाइट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, देखिए एकदम, और चेन हमारा पूरा फ्री घूम रहा, देखिए कोई दिक्कत नहीं है, एकदम चेन टाइट हमारा हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से करना है आपका। अगर आपका बहुत ज़्यादा चेन लूज होगा तो आपको इधर वाला नट को जो है कहता लूज करना है, और इधर चक्का को प्रेस करना है, और फिर इधर वाला लूज करने के बाद इधर वाला चक्का को प्रेस करके फिर नट को टाइट कर दे। और अगर नहीं, एक बार में नहीं हो तो फिर दोबारा कर ले, दोबारा में आपका हो जाएगा क्लियर। और गाइस, एक चीज़ का आप लोग ध्यान दें, चक्का को जब आप सामने की ओर प्रेस कर रहे हैं नट लूज करने के बाद, इधर जब आप प्रेस कर रहे हैं तो स्पोक पकड़ के बिल्कुल ना करें। अगर आप ये जो स्पोक पकड़ के अगर सामने की ओर प्रेस करते हैं तो इससे क्या होगा कि आपका रिम अलाइनमेंट जो है वो बेंड होने का डर रहेगा। जी हाँ गाइस, तो स्पोक पकड़ के बिल्कुल ना करें, जिस तरीका से हम बताए हैं चक्का को ही पकड़ के
चक्का को ही पकड़ के आपको दायां और बायां खींचना है और नट को लूज करके टाइट करना, इस तरीके से आपका चेन टाइट हो जाएगा। लेकिन क्या है कि मेरा चक्का थोड़ा जाम बता रहा है, तो आपको किस तरीके से करना है चक्का फ्री वो भी हम बता देना। बस चेन टाइट करने के बाद आपको क्या करना है, दोनों साइड नट को एकदम जो प्रॉपरली टाइट कर देना है, ठीक है, हिसाब से मिला मिला करके, जैसा कि हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए हमने कर दिए हैं दोनों साइड चक्का नट टाइट। सो गाइस ये देखिए हमारा चेन टाइट हो गया एकदम परफेक्टली, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारा चेन एकदम टाइट हो गया है, तो जिस तरीके से हम बताए उस तरीके से कर लेना। लेकिन क्या हुआ कि चेन टाइट करने के बाद क्या हुआ कि हम लोग का चक्का जो है मेरा थोड़ा सा जाम बता रहा है चक्का, ठीक है, वो जो है ब्रेक में सट रहा है। तो यही एगो इशू आता है पावर ब्रेक की साइकिल में। जी हाँ, अगर आप खुद से चेन अलाइनमेंट मिलाते हैं, चेन टाइट करते हैं, तो चक्का का अलाइनमेंट मिलाने के बाद क्या होता है कि ब्रेक में फंसने लगता है, यही एगो प्रॉब्लम होता है। तो इस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करिए आप लोग को बताते हैं। सो गाइस ये देखिए हमारा जो ब्रेक जो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, एक साइड वाला जो है थोड़ा ज़्यादा कर रहा है। देखिए इधर वाला ब्रेक शू देखिए कितना गैपिंग में है, और इस साइड वाला ब्रेक शू देखिए एकदम पूरा एकदम पहिया में सटा हुआ है। इसके वजह से ये जो ब्रेक शू रबर आप देख रहे हैं, ये क्या हुआ कि टायर में सटेगा। अगर आपका मोटे टायर लगे हुए, मोटे चक्के की टायर है, तो इसमें आपको सटेगा। जी हाँ, तो इसको क्या करना है, देखिए नीचे में आपको जो यहाँ पर जगह बना हुआ, ठीक है, ब्रेक शू रबर जहाँ लगा हुआ, तो इसको आपको नट को खोलना है एलेंकी रिंच से, और इसे आपको थोड़ा नीचे कर देना है। चलिए किस तरीके से करना हम आपको बता दे रहे हैं। ये एलेंकी स्पैनल ले लेना है, और आपको क्या करना है इसको लूज़ करना है इस तरीके से। देखिए इस तरीके से जो है हम लूज़ कर दिए हैं, और लूज़ करने के बाद हल्का सा नीचे करेंगे। देखिए हल्का सा नीचे कर दिए हैं, और उसके बाद फिर हम टाइट कर दे रहे हैं, ठीक है। हल्का नीचे करने के बाद रबड़ जो है ये हम थोड़ा नीचे कर दिए हैं, उसके बावजूद भी अगर सही से ब्रेक वर्क नहीं करता, काम नहीं करता, पहिया में सटता है, जी हाँ चक्का में अगर सट रहा है चेन टाइट करने के बाद, तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपना ब्रेक को जो इस तरीके से प्रेस करके देखना है। तो हमारा देखिए लेफ्ट साइड वाली जो ब्रेक पंजा है वो सही वर्क कर रहा है, और राइट साइड वाली कम वर्क कर रहा है, ठीक है, वो थोड़ा ज़्यादा कर रहा है, ये कम कर रहा है। तो हमें क्या करना है, स्क्रू ड्राइवर ले लें, और राइट साइड में जो ब्रेक पंजा है इसे, इसका जो स्प्रिंग है इसे हमको निकाल लेना है। निकालने के बाद क्या करना है, ये जो स्क्रू देख रहे हैं इसे हमें टाइट कर देना है, ठीक है। इस तरीके से टाइट कर दिया तो हमारा स्प्रिंग देख रहे हैं आप हार्ड हो रहा है, ठीक है। देखिए जितना टाइट करें उतना ज़्यादा हार्ड हो रहा है, हमें इतना नहीं करना, हमें कम करना, ठीक है। तो हम अपने हिसाब से कर दें, उसके बाद क्या करना है स्प्रिंग को इस तरीके से फंसा देना, ठीक है ना, ठीक है। फंसाने के बाद क्या करना है आपको अपना क्लच को जो है प्रेस करके देखना है, ठीक है। तो हमारा कलेज जो है एकदम प्रेस करके देख रहे, तो आप देखिए उस साइड वाला राइट साइड वाली पावर पंजा जो है ज़्यादा काम कर रहा है, लेफ्ट साइड वाली कम काम कर रहा है। तो उसमें आपको क्या करना है, स्प्रिंग निकालने की जरूरत नहीं है आपको, डायरेक्टली स्प्रिंग निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप इसे लूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको आपको मिला मिला के लूज़ कर देना है, और वर्क करते हुए देखना है, ठीक है। तो हमारा देखिए एकदम क्लियर है। क्या करना है कि चक्का को घुमा के देख लेना, देखिए हमारा चक्का एकदम परफेक्टली फ्री और फाइन घूम रहा है, चेन भी टाइट हो गया हमारा, और कोई दिक्कत नहीं हुआ, और ब्रेक भी एकदम प्रॉपरली वर्क कर रहा है। इसी तरीके से आपको करना है चेन टाइट पावर ब्रेक की साइकिल में। सो गाइज आप जान गए हैं कि किस तरीके से करना है पावर ब्रेक की साइकिल की चेन टाइट, जी हाँ अगर लूज़ हो जाता है तो। आशा करता हूँ दोस्तों मैं आप लोग को सही से बता दिया हूँ कि किस तरीके से चेन टाइट करना है पावर ब्रेक की साइकिल में।